क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक बंदर 74 मीटर ऊंचे एक ग्रीस लगे हुए खंभे पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है। पहले मिनट में वह 12 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, किंतु उसके अगले ही मिनट फिसलन के कारण वह 5 मीटर नीचे आ जाता है और इसी तरीके से 16 मिनट की चढ़ाई चढ़ने के बाद वह एक दूसरे समान ऊंचाई के ग्रीस लगे हुए खंभे पर 15 मीटर नीचे कूद जाता है। वहां पर एक मिनट विश्राम करने के बाद वह पुनः उसी प्रकार से दोबारा चढ़ाई करने की कोशिश करता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने समय के बाद वह बंदर उस खंभे के शीर्ष पर होगा। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि 74 मीटर ऊंचे दो ग्रीस लगे हुए खंबे पर एक बंदर चढ़ाई करने की कोशिश करता है और यह पहले मिनट में 12 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, किंतु उसके अगले ही मिनट फिसलन के कारण यह 5 मीटर नीचे आ जाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो बंदर है हर 2 मिनट में कुल 7 मीटर की चढ़ाई कर पा रहा होगा। इट मीन्स इस बंदर की जो रिलेटिव स्पीड आई है यहां पर वो कितनी होगी, 7 मीटर पर 2 मिनट, हर 2 मिनट में ये 7 मीटर की चढ़ाई चढ़ रहा होगा और इसी तरीके से 16 मिनट चढ़ाई चढ़ने के बाद, तो आपको पता होगा 16 मिनट में ऐसे दो दो मिनट कितनी बार आए होंगे, 8 बार। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 16 मिनट में ये जो बंदर है ऐसे 7 मीटर की चढ़ाई कितनी बार कर रहा होगा, 8 बार। और अगर ये 7-7 मीटर की चढ़ाई 8 बार कर रहा होगा तो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 56 मीटर। इट मीन्स ये जो बंदर होगा 16 मिनट के बाद इस खंभे से 56 मीटर ऊंचाई पर होगा और हमसे कहा जा रहा है 16 मिनट के बाद ये बंदर समान ऊंचाई के एक दूसरे खंभे पर 15 मीटर नीचे कूद जाता है। अगर ये बंदर 15 मीटर नीचे कूद रहा होगा, इट मीन्स ये जो बंदर है वो अभी भी जमीन से 41 मीटर की ऊंचाई पर होगा। इट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 41 मीटर की। और उसके बाद ये जो बंदर है यहां पर वह एक मिनट का रेस्ट लेता है और रेस्ट के बाद बाकी की बची हुई डिस्टेंस को वो दोबारा इसी तरीके से कवर करता है। तो बाकी की बची हुई डिस्टेंस जो होगी वो कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है इस खंभे की, 74 मीटर, जिसमें से 41 मीटर ये बंदर कवर कर चुका है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 33 मीटर। इट मीन्स अभी भी इस बंदर को 33 मीटर की ऊंचाई को कवर करना है और इसे कवर करने में इसे कितना वक्त लगेगा, तो आप सबको पता होगा टाइम बराबर इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड के। और डिस्टेंस यहां पर कितनी कवर करनी है उसे, 33 मीटर, और स्पीड यहां पर हमने अभी कैलकुलेट की है जो रिलेटिव स्पीड आई है वो कितनी है, 7 मीटर पर 2 मिनट। बट यहां पर इस रिलेटिव स्पीड के साथ इस पूरी की पूरी डिस्टेंस को कवर ये बंदर नहीं कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि इस रिलेटिव स्पीड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो पहले मिनट में ये जो बंदर है वो 12 मीटर ऊपर चढ़ रहा है और उसके अगले ही मिनट में ये बंदर 5 मीटर नीचे जा रहा है। इट मींस इस रिलेटिव स्पीड में जो लास्ट जंप है बंदर की वो डाउनवर्ड है और कितने मीटर की है, 5 मीटर की।
जबकि आपको पता है कि बंदर पहली बार इस खंबे के टॉप पर जब पहुंच रहा होगा तो उसकी जो लास्ट जंप होनी चाहिए वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। इट मींस जो उसकी लास्ट जंप होगी ना वो कितने मीटर की होनी चाहिए, 12 मीटर की, क्योंकि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितने मीटर की जंप मार रहा है, 12 मीटर की। तो सबसे पहले तो हम इसमें से लास्ट जंप उसकी सबट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि 12 मीटर की होगी, और अगर 33 मीटर से 12 मीटर अगर हम सबट्रैक्ट कर रहे होंगे तो बची हुई जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 21 मीटर। 21 मीटर जो बंदर होगा वो जो चढ़ रहा होगा उसके लिए अगर हम इस रिलेटिव स्पीड को यूज करें तो उसे हम कर सकते हैं। तो 21 मीटर डिस्टेंस होगी और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 7 मीटर पर 2 मिनट। इट मींस ये कितनी टाइम्स आ रहा होगा, 3 टाइम्स, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से। इट मींस टोटल जो टाइम आ रहा होगा यहाँ पे वो कितना आ रहा होगा, 6 मिनट। और लास्ट जंप जो होगी 12 मिनट की, वो कितने मिनट उसको लगते हैं उस जंप को करने में, 1 मिनट। और हमसे जो पूछा गया है इस बंदर को ऊंचाई तक पहुंचने में कुल कितना समय लगा होगा, तो आप देख पा रहे हो कि इस बंदर को जो ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 16 मिनट यहां पर लगे हैं। और उसके बाद ये बंदर जो है वो 1 मिनट का रेस्ट लेता है, और उसके बाद ये बंदर 21 मीटर चढ़ने के लिए कितने मिनट का समय ले रहा होगा, 6 मिनट का। और उसके बाद ये जो बंदर है लास्ट जंप अपनी कर रहा होगा 12 मीटर की, जिसके लिए उसे और 1 मिनट लग रहे होंगे। इट मींस अगर हम यहां से टोटल टाइम कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 16 मिनट प्लस 1 मिनट का रेस्ट और प्लस 6 मिनट जिसमें वो 21 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, प्लस लास्ट जंप जो 1 मिनट में उसने की है। इट मींस 16 प्लस 8 कर रहे होंगे हम, तो कितना आ रहा होगा, 24 मिनट। तो हम कह सकते हैं कि इस बंदर को इस खंबे के शीर्ष पर चढ़ने में कुल कितना समय लगा होगा, 24 मिनट। और हमसे इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि इस बंदर को इस खंबे की ऊंचाई तक पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, जो कि है 24 मिनट का।